हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 35 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिजाइन, यूज रूट 3 ए और पाई का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक राउंड टेबल कवर मतलब एक सर्कल दिया हुआ है, हैज सिक्स इक्वल डिजाइन। ये डिजाइन हमें दिख रहा है, इस डिजाइन क्या हुआ, एक तरीके से माइनर सेगमेंट, कॉर्ड के पीछे वाला एरिया क्या होता है, माइनर सेगमेंट। हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 35 सेंटीमीटर, और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सिक्स इक्वल डिजाइन है, ठीक है, सिक्स इक्वल डिजाइन का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, एक डिजाइन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये एक डिजाइन का एरिया कैसे मिलेगा, ये क्या है, एक माइनर सेगमेंट। तो इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर और 6 इक्वल पार्ट, अगर हम इस सबको कनेक्ट कर दें तो जो सेंटर का एंगल है टोटल 360 डिग्री का, वो 6 इक्वल पार्ट्स में बट गया। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 बाई 6 इक्वल टू 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो एरिया ऑफ, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं सी, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए सी बी तो इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच गया थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस 1 बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर, आर दिया हुआ 35, तो ये 35 इंटू 35 और थीटा हो गया यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 बाई 360। पाई का वैल्यू दिया हुआ है कि हमें 3.14 यूज़ करना है, इंटू 3.14 माइनस 1 बाई 2 साइन 60। ठीक है, तो 60 से ही कट गया, 6 बार में 2 से कट जाएगा, 3 बार में 2 से कट गया 1.57 बार में, तो 35 इंटू 35 ये हो गया 1225, 35 का स्क्वायर होता है 1225, फिर यहाँ पे आ गया 1.57। तो यहाँ से डेसिमल अगर हम हटा लेंगे तो नीचे 100 लग जाएगा और 3 पहले से है, तो ये 300 बन गया, माइनस 1 बाई 2 साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, तो ये बन गया रूट 3 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1225 157 बाई 300 माइनस रूट 3 बाई 4। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो इक्वल टू 1225, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 300 और 4 का एलसीएम आ गया 300, तो 300 के ऊपर तो ये तो 157 एज इट इज रहेगा, 157 माइनस 4 इंटू 75 करेंगे तो आता है 300, तो ये हो जाएगा 75 रूट 3, ये हो गया। तो ये आ गया एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, यहाँ पे कुछ कट सकता है तो उसको कट कर लेंगे, 3 से कट जाएगा ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 6 जा और 0, 5 से 60 टाइम्स, 5 2 जा 10, 25, 5 2 जा 10, फिर बच गया 22, 5 4 जा 20, 25 5 बार में, फिर 5 से कट जाएगा ये 12 बार में, और 5 से ये चला जाएगा 5 4 जा 20, 45 9 बार में, ठीक है, इसके आगे तो शायद नहीं जाएगा, तो 49 और ब्रैकेट के अंदर है 157 माइनस 75 इंटू 1.732 यूज़ करना है बाई 12, ये आ गया एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 1.732 को 75 से, 5 टू जे 10, 1 5 3 जे 15, 16 1 5 35, 36 3 8 7 टू जे 14, 1 21 और 22 2 49 50 1 5 7 5 7 7 5 12
ये तो ये 49 और ब्रैकेट में 157 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 129900, तीन डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं फिर बाई 12। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ वन डिजाइन। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सिक्स डिजाइन, तो इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे यहां पे पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 49 157 माइनस 157 में से 129.9 को माइनस करना है, तो ये आ गया 0.1, यहां पे हो गया 6, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, ये हो गया 4 में से 2 गया तो बच गया 2, और ये कट गया इंटू 27.1 बाई 12। और इसको भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 271 इंटू 49, क्योंकि कहीं कुछ कट नहीं रहा, 9 1 9 9 7 63 6 9 2 18 और 6 24, 4 1 4 4 7 28 2 4 2 8 और 2 10, ये आ गया 13279, एक डिजिट के बाद डेसिमल था, बाई 12। तो ये आ गया फाइनली हमारा, काफ़ी कैलकुलेशन के बाद एरिया ऑफ वन डिज़ाइन, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है यहाँ पे, ठीक है, एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ सिक्स डिज़ाइन इक्वल टू 1327.9 बाई 12 इंटू 6, तो 6 से कट गया ये 2 बार में, अब सिर्फ 2 से इसको डिवाइड करना है, 1327.9 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 2 से चला गया ये 6 बार में, 126 बार में, 73 बार में, ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा लेंगे तो नीचे एक 10 लग जाएगा, 2 से 6 बार में 12, 1 2 बचा 6 बार में, फिर 7 तो 3 बार में 1 बचा 19, 2 से 9 बार में 18, रिमाइंडर बचा 1 तो आ गया 0.5, और 10 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 663.95 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनली। ठीक है, तो राउंड टेबल कवर, ये 6 डिज़ाइन का एरिया हमें निकालना था, 6 डिज़ाइन का एरिया आ गया 663.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ा इसमें, ठीक है, कोई उपाय नहीं इसका, ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।